Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the remaining part of the chapter 7, Getting to Know Plants. So in the previous classes, we studied about varieties of plants which we see in our environment, in our surroundings, along with their parts and the first part of shoot system, which is stem. Today we are going to study about the second part of the shoot system, which are leaves. So what are the parts of leaves? The first part is petiole. The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. तो petiole कौन सा part है leaf का जो stem से attach किया हुआ है वही part को बोला जाता है petiole. The second part is lamina. So this is the expanded part or the green portion of any leaf which is responsible for photosynthesis. तो lamina कौन सा part है जो ग्रीन पोर्शन आपको मिलता है लीव का जो फैला हुआ जो ग्रीन पोर्शन आपको मिलता है जो कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करने में रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस इन विच फूड मेक्स इट्स ओन इन विच प्लांट्स मेक्स इट ओन फूड ओके वही एक्सपेंडेड पार्ट को क्या बोला जाता है लैमिना वेन्स देर आर मेनी लाइन्स दैट रन थ्रू द सर्फेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड वेन्स एंड द डिज़ाइन मेड बाई देम इज कॉल्ड लीव वेनेशन दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स तो लीव वेन्स जो होते हैं जो वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप कोई लीव्स लोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइन्स देखने को मिलेंगे लीव्स में वेन्स की तरह आपको जैसे कि आपको पता ही है हमारे बॉडी में भी वेन्स होते हैं वैसे ही लीव्स में भी वेन्स होते हैं बहुत सारे लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक डिज़ाइन भी बनाता है तो वो डिज़ाइन को क्या बोला जाता है लीव वेनेशन और वो वेन्स को बोला जाता है वेन्स ही और वो उनका फंक्शन क्या होता है वो क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ओके द लास्ट पार्ट इज मिडरिब दिस इज द सेंट्रल प्रोमिनेंट थिक स्ट्रक्चर राइट इन द मिडल ऑफ द लीफ दैट हेल्प्स सपोर्ट द लीफ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग मिडरिब जो होता है लीफ के बीचों बीच का जो लाइन होता है उसी को बोला जाता है मिडरिब वो बहुत ही थोड़ा वो प्रोमिनेंट मोटा होता है और वो हम लोग थोड़ा प्रोमिनेंट भी होता है मतलब हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं जो कि लीफ के एकदम बीचों बीच होता है और वो क्या करता है लीफ को सपोर्ट देता है ताकि वो टूट ना जाए ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द पिक्चर ऑफ लीफ यहाँ पे आपको मिडरिप देखने को मिल रहा है बीच का जो प्रोमिनेंट थिक लाइन है वो मिडरिप है मार्जिन लीफ का एक टोटल मार्जिन है वेन्स मिल रहा है आपको देखने को जो भी मिडरिप के साथ लगाया हुआ जो वेन्स है साइड में होता है लैमिना मीन्स बीच का ग्रीन पोर्शन जो एक्सपेंडेड होता है और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है और पिटाइल जो कि स्टेम से अटैच हुआ होता है और एक लास्ट टिप मीन्स लीव का एकदम एंडेड पार्ट ओके नाउ देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ लीव वेनेशन लीव का वेनेशन मीन्स जो डिज़ाइन होता है वेनेशन वो दो तरह का होता है द फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन विच इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक शेप ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज सीन टू एग्जिस्ट इन डाइकॉट्स लाइक ग्वावा मैंगो एंड ऑल्सो इन रोज पीपल लीव्स ओके सो रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है उसका जो फॉर्म उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है नेट लाइक होता है मीन्स वो जैसे आपको दिखेगा कि वो नेट लाइक शेप बना रहा है मिडरिप के दोनों साइड ही और ये वेनेशन हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है डाइकॉट जैसे कि ग्वावा मैंगो और पेड़ जैसे कि रोज लीव्स में पीपल लीव्स उसमें हम लोग को ये रेटिकुलर वेनेशन देखने को मिलेगा द सेकेंड वन इज पैरेलल वेनेशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द वेन्स रन parallel to one another this type of venation is seen to exist in monocots like banana wheat and coconut to parallel venation kya hum log ko kahan pe dekhne ko milega aap dekhenge koi ped koi leaves mein aap beechon beech midrib rehta hai to uske paas jo side mein jo veins hote hain wo pura parallel hote hain ek dusre se theek hai to usi ko bola jata hai parallel venation ye aapko kahan pe dekhne ko milega banana leaves mein wheat leaves mein aur coconut leaves mein okay सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक दूसरे के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका जो एक लाइन है वो प्रोमिनेंट हम लोग को दिख रहा है लेकिन दूसरा लाइन है वो थोड़ा सा हल्का होता है वो आप अगर एकदम पास से देखेंगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है
वैसे ही आपको पैरेलल वेरिएशन में आपको दिखेगा कि वो जो वेन्स है वो एक दूसरे से पैरेलल स्ट्रक्चर पैरेलल पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। नाउ द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग टू एसेंशियल फंक्शंस फॉर द प्लांट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो दीज टू फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होते हैं वो जनरली रेस्पॉन्सिबल किस वजह से होते हैं, प्लांट्स के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए लीव्स बहुत ही एसेंशियल फंक्शन कैरी आउट करता है। कौन कौन सा फंक्शन है? द फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन एंड द सेकेंड वन इज फोटोसिंथेसिस। सो वॉट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। सो वेन वाटर ट्रेवल्स वाया स्टेम टू लीव, सम ऑफ गेट इट्स यूज टू प्रिपेयर फूड, वेल द एक्सेस वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सन। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस है? जहाँ पे प्लांट्स अपना जो ज़्यादा वाटर हो जाता है, एक्सेस वाटर जो होता है अमाउंट, उसको रिलीज कर देता है एयर में। जब वो वाटर ट्रैवल होता है स्टेम से लीव्स तक, कुछ कुछ वाटर प्लांट्स अपनी जो प्रिपेयर फ्रूट करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वाटर बच जाता है, जो वाटर एक्सेस वाटर, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एयर में रिलीज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Transpiration is important for the plants as it helps the plants to cool down. In the absence of transpiration, the temperature of the leaf becomes unregulated, which may lead to the eventual death of plant. तो ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में, जो क्या करता है प्लांट्स को ठंडा, मतलब कूल डाउन, उसका टेम्परेचर में बैलेंस रखने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो लीफ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और इवेंचुअली वो प्लांट का डेथ हो सकता है। ओके, सो हियर वी हैव टू परफॉर्म अ एक्टिविटी विच शोज दैट लीव्स डू ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग ट्रांसपिरेशन कैसे इस जान सकते हैं कि कैसे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लीव्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है? फॉर दिस टेक अ मीडियम साइज एंड वेल वाटर्ड प्लांट। आपको एक मीडियम साइज का प्लांट लेना है जैसे कि पिक्चर में है, और उसमें अच्छे से पानी डालना है आपको। रिमूव ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्विग ऑफ दिस प्लांट एंड कवर दिस ट्विग विद अ पॉलिथिन बैग। आपको एक ट्विग निकाल देना है, ठीक है, लीव्स निकाल देना है एक तरह, एक साइड के, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक तरह का एक स्टेम में क्या कर रहा है, एक ट्विग में उसका जितने भी लीव्स है वो निकाल दिए जा रहे हैं, ठीक है, और एक में लीव्स दिए जा रहे हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू कवर एनी अदर ट्विग विद लीव्स विद पॉलीथीन बैग ऑल्सो। इसके बाद आपको वो पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर देना है। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर एन आवर और टू। और इसके बाद आपको ये पेड़ को सनलाइट के नीचे रख देना है, मतलब सूर्य की किरणें के नीचे रख देना है एक या दो घंटे के लिए। Drops of water will appear on the inner side of the bag that covered the leaf, leafy twig. वो जो water drops है वो bag के inner side में आपको फिर observe करने को मिलेगा after 1 or 2 hours. Okay? वो जो leafy twigs है, जो जिसमें leaves है, वहाँ पे आपको जो drops, water drops मिलेंगे plastic के ऊपर लगे हुए, एंड जो प्लास्टिक जो जिसमें लीव्स नहीं है वहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। सो यू विल नॉट गेट वाटर ड्रॉप्स ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग ऑफ द ट्विग विदाउट लीव्स। दिस शोज दैट द एग लीव्स डू ट्रांसपिरेशन इज दैट रिलीज एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑन एयर। तो इसी की तरह आप देख सकते हैं कि एक जिसमें लीव्स है उसमें आपको वाटर वेपर मिलेगा पॉलीथीन बैग के ऊपर लगा हुआ, और जिसमें लीव्स नहीं है वहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप यही देख सकते हैं कि जिसमें लीव्स है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैरी आउट किया, जिसमें नहीं है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैरी आउट नहीं किया। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ जाइलम विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टेक्स टू द लीव्स, एंड लीव्स आफ्टर दैट ट्रांसपायर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ द सेकेंड एग फंक्शन विच इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट हेल्प्स लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने अभी आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद के लिए बना लेता है, और वहाँ पे क्या होता है, कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो। ओके,
Photosynthesis occurs in the presence of sunlight and is aided by the presence of green pigment in leaves called chlorophyll. तो photosynthesis का जो process है ये sunlight के presence में ही हो सकता है और होता है, और जो leaves में एक जो green pigment रहता है जिसका नाम क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, chlorophyll, उसके presence में भी ये होता है. जो leaf का जो green color है वो कहाँ से आता है, यही green pigment chlorophyll से आता है, जो कि बहुत ही necessary है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए. ओके, प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस. इसी तरीके से आपको पता है कि प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, तो इसी प्रोसेस के चलते वो हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं. द फूड प्रिपेयर्स इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट इज अनेबल टू यूटिलाइज द वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर फूड फॉर इट्स नरिशमेंट एंड ग्रेजुअली डाइज. तो इसी तरीके से फूड प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करके स्टोर करके रख देता है अपने हर एक पार्ट्स का जो प्लांट है वेरियस पार्ट्स में. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट्स वो जो वाटर मिनरल्स वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और जो फूड है वो भी बना नहीं पाएगा और इसी तरीके से वो मर जाएगा. ओके, सो यू कैन सी द फोटोसिंथेसिस विच ऑकर्स इन लीव्स एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll and gives carbohydrates and oxygen. तो ये इसी equation के साथ आपको photosynthesis आप समझ जाएंगे. So and the picture of here you can see the picture of a plant where the leaves are taking sunlight and carbon dioxide and further gives us oxygen by the process of photosynthesis. And you can see the picture of stomata and guard cells, stomatal opening means ये जो लीफ है इसको अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो जो स्टोमाटा ओपनिंग और गार्ड सेल्स ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ओके, विच विल यू स्टडी इन द हायर क्लासेस इन डिटेल्स. नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो लीव्स प्रिपेयर फूड कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप इसको भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कैसे लीव अपना खाना बनाता है इन द बाई एंड वो क्या प्रिपेयर करता है. जनरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फॉर दिस यू हैव टू पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली कवर द लीव. इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है. ये एक्टिविटी सिर्फ आपने लैब में ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें थोड़ा स्पिरिट डाल देना है. ठीक है, स्पिरिट आपको उसमें डाल देना है. उसके बाद उसको लीव से कवर कर देना है. आपको एक टेस्ट ट्यूब में लीफ डालना है, उसमें थोड़ा सा स्पिरिट डालना है और उसको फिर कंप्लीट कवर कर देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. इसके बाद आपको उसमें थोड़ा वाटर डालना है बीकर में एक टेस्ट ट्यूब. उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब को क्या लेना है, एक बीकर में वाटर डाल के उसमें फिल कर देना है, मतलब रख देना है. देन हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द स्टेप्स ट्यूब. उसके बाद जो बीकर है आपको उसको अच्छी तरीके से हीट कर देना है जब तक कि वो ग्रीन कलर लीफ से निकल ना जाए. ठीक है, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट वाटर. जब वो ग्रीन कलर देखना, वो ग्रीन कलर लीफ का ग्रीन कलर ही निकल जाएगा, वो दूसरे कलर का हो जाएगा, एकदम ग्रीनलेस हो जाएगा. तब आपको वो लीफ को केयरफुली निकाल के धो देना है. उसके बाद आपको कुछ आयोडीन सॉल्यूशन लेना है एक प्लेट में. देन यू हैव टू पुट द लीव इन टू द आयोडीन सॉल्यूशन. उसके बाद वो आयोडीन सॉल्यूशन में आपको वो कलरलेस लीफ, ग्रीन कलरलेस लीफ आपको उसमें डाल देना है. आप तब देखेंगे कि लीफ का कलर ब्लू में बदल जा रहा है, जो कि क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कि हम लोग को बता रहा है कि यस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है. और इसी तरीके से हम लोग ये भी जान पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसी के वजह से ही हम लोग को लीफ में कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है. तो इसी तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट करके जान सकते हैं कैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो रहा है. ओके, नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट विच शोज टू ली दैट हाउ लीव्स प्रिपेयर फूड स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फॉर दिस यू हैव टू प्लेस अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे ऑफ टू. तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि कैसे सनलाइट के नीचे ही अपना फूड बना रहा है पेड़, मतलब लीव्स.
तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है जिसमें ग्रीन लीव्स हो एकदम, उसको डार्क रूम मीन्स एक अंधेरा रूम में आपको एक या दो दिन के लिए रख देना है। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इट फॉर इन द सन फॉर अ डे। उसके बाद आपको क्या करना है, उस लीफ का जो एक उसका उस प्लांट का जो एक लीफ है उसको आपको एक ब्लैक कलर का पेपर से कवर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको सन में रख देना है एक दिन के लिए। रिमूव द लीफ कवर इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन के बाद वो जो लीफ को आप कवर किए थे ब्लैक पेपर से उसको निकाल के स्टार्च का टेस्ट करोगे आयोडीन सॉल्यूशन में। Then you can observe that leaves covered with paper will not turn blue black with iodine solution means no starch. Leaves which were not covered by the paper show the presence of starch means the synthesis food in the presence of sunlight. जो leaf blue black में turn हो जाएगा आप iodine solution में डालने से, तो आपको वो leaf दिखेगा कि वो yes वो उसमें starch है, वो photosynthesis carry out किया। लेकिन जो leaf आप कवर करके रखे थे ब्लैक पेपर में उसको देखोगे आप, वो नहीं बदलेगा, उसका कलर नहीं बदलेगा। इसी के साथ आप कह सकते हो कि उसने स्टार्च फॉर्म नहीं किया, मतलब फोटोसिंथेसिस भी फॉर्म नहीं किया। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ प्लांट्स केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर 1 to 2 days सो दैट ऑल द स्टार्च प्रेजेंट गेट्स कंज्यूम्ड। देन कवर द पार्ट ऑफ अ लीफ विद ब्लैक पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट। So after some days, if you test that leaf in iodine test, some part of the leaf, the remaining green parts will turn blue-black because it carries photosynthesis and the blue-black color will not turn any color, okay? So students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then, read the chapter carefully and learn the notes. Also write the notes in your fair copy, okay? तब तक आप ये chapter अच्छी तरीके से पढ़िए और जो notes है उसको copy में लिखिए और याद कर लीजिए। And students, if you have any doubt, you can ask me. अगर आपको कहीं पे भी कोई doubt है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये chapter बहुत ही interesting है आप सबके लिए, आप plants के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो इसीलिए आप chapter को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और साथ में notes को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ओके, सो स्टूडेंट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।